नवाबगंज के विद्युत विभाग कार्यालय में लगी एक फोटो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। यह फोटो आतंकी ओसामा बिन लादेन की है। फोटो के जरिए ओसामा बिन लादेन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ अवर अविंधा बताने की कोशिश की गई है। औरखा बिजली के विद्युत वितरण निगम के एक SDO ने अपने कार्यालय में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो को छोड़कर ओसामा बिन लादेन की फोटो लगाई है। इसकी विभागीय अधिकारियों की जानकारी हुई, लेकिन SDO के पत्राचार और उसकी भाषा के डर से किसी भी अधिकारी ने आपत्ति तक नहीं उठाई। SDO ने ओसामा बिन लादेन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ अवर अविंधा लिखा है। यह फोटो वायरल हो रही है। आतंकी ओसामा बिन लादेन की यह फोटो नवाबगंज SDO रविंद्र प्रकाश गौतम के कार्यालय में लगी है। वह ओसामा बिन लादेन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ अवर अविंधा मानते हैं। SDO का कहना है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ अभियंता है, इसलिए फोटो लगाई है। अधीक्षण अभियंता SK श्रीवास्तव और मुख्य अभियंता कानपुर राकेश वर्मा ने फोन उठाना तक बंद कर दिया है। इससे पहले SDO MD समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ पत्र लिख चुके हैं, जिसकी भाषा देखकर MD और CMD ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ओसामा बिन लादेन की फोटो जिसमें श्रद्धे ओसामा बिन लादेन लिखा हुआ है और शायद फूल माला भी चढ़ा हुआ फोटो दिख रहा है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही निंदनीय है। हालांकि उसमें अवर अविंता के तौर पे उन्हें दर्शाया गया है, लेकिन अवर अविंता के साथ साथ ओसामा बिन लादेन, जैसा कि हमारे इस भारत देश में एक बड़े आतंकवादी संगठन रहा है, तो निश्चित तौर पर वो समाज विरोधी और देश विरोधी रहा है। तो उस तौर पर ऐसे किसी भी सरकारी विभाग अथवा सरकारी कार्यालय में इस तरह से उसका फोटो होना बहुत ही निंदनीय है और अशोभनीय है और एक कानूनी रूप से गलत है। निश्चित तौर पर इसकी जांच होकर और उस पर जो भी विभागीय अगर किसी का दोष है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी ने भी ये शरारत की है, निश्चित तौर पर तत्काल इसकी फोटो उस जगह से सरकारी विभागीय कार्यालय से हटनी चाहिए। बहुत से हमारे इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, अलग अलग मैकेनिक हर विभाग के हुए हैं, बहुत से लोग श्रद्धे हैं, लेकिन ये ओसामा बिन लादेन कोई श्रद्धे नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसे आतंकवादी संगठन जो रहा है हमारे देश के लिए, जो देशद्रोही रहा है, उसकी फोटो किसी भी हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, किसी भी सरकारी विभागीय कार्यालय में नहीं होनी चाहिए।